So today we will study Cartesian sign convention for spherical mirror. Cartesian sign convention का मतलब क्या होता है? Graph बनाया है सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में? बहुत बार. बहुत बार. क्या क्या होता है ग्राफ में? कौन से एक्सिस होते हैं? एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है. दो एक्स और एक ओरिजिन. एक्स और वाई और एक होता है ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जीरो 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 जीरो. करेक्ट. अच्छा, दो मिनट में अपना पैन टैब अटैच कर लो. तो ये है आपका ओरिजिन जिसको हम बोलेंगे जीरो जीरो. अच्छा, यहाँ पे सारे नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तो जब आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो नंबर्स पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. नेगेटिव. वाई एक्सिस में जब हम ऊपर जाएंगे तो नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव. और नीचे जाएंगे तो कैसे होंगे? नेगेटिव. इतना सबको क्लियर है? यस. ओके. सेम चीज, सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे. ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट कहाँ है? मिरर की लेफ्ट हैंड साइड पे. एंड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है. तो इसीलिए देखो, ये आपका मिरर है. मिरर यहाँ है तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव होगा. सो ऑलवेज द डिस्टेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव. अब इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, एक सिंबल यूज होता है यू. यू का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. So according to sign convention, U is always negative. अच्छा, image depend करता है कहाँ बनेगा. अगर image mirror के left hand side बना तो वो भी कैसा होगा? कैसा होगा? Negative. Negative या positive? Positive. Negative ही होगा. Positive. ये image है और ये भी mirror के left hand side पे है. तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज को बोलते हैं स्मॉल वी. और स्मॉल वी भी कैसा होगा? नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब हम एक काम करेंगे. आप लोगों ने बहुत अच्छे से टेबल्स अभी तक लर्न कर लिए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे. तो हम ना थोड़ा सा ये लिख लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट. मैम. हाँ बोलो. मैम बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि जो इमेज फॉर्म होगा कॉनकेव मिरर में वो हमेशा नेगेटिव हो. इसीलिए मैं केसेस लिख रही हूँ. दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग डेफिनेट केसेस. तो कॉनकेव मिरर ने मिरर में हमने कितने केसेस पढ़े थे जरा बता दो मुझे. ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ? सिक्स केसेस पढ़े थे. कौन से मैम? पहले तो एक इन्फिनिटी में. ये आपका मिरर था. अच्छा, लेकिन कॉनकेव मिरर कैसा बनाना है मुझे? कॉनकेव जैसा. कैसा बनाना है? अब देखो, मैंने ऑब्जेक्ट पहले रखा इंफिनिटी पे. मैम ये कॉनवेक्स नहीं हो गया? इट्स मिरर है. सॉरी. हाँ मैम, पहले मैंने सही बनाया था. अब ऑब्जेक्ट मैंने रखा इंफिनिटी पे तो इसका यू कैसा होगा? नेगेटिव. इमेज बनेगी फोकस पे तो वी भी कैसा होगा? नेगेटिव. अच्छा, बाद में व्हाट इज द सेकंड केस? ऑब्जेक्ट का बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी. तो मुझे बता दो ऑब्जेक्ट यू कैसा होगा? नेगेटिव. 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 और इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट हैंड साइड. सी और एफ के बीच में इमेज बनती है. सी और एफ के बीच में तो ये भी नेगेटिव है.
अच्छा बाद में कहाँ रखेंगे, थर्ड केस सी, एट सी, एट सी, एटीसी। और इमेज कहाँ बनती है, ऐसी बनती इमेज में एट सी। तो अगेन दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव यस। अच्छा उसके बाद कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, अगेन इट इज नेगेटिव। इमेज कहाँ बनेगी, नेगेटिव बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इमेज तो बन गई आपकी यहाँ बियॉन्ड सी, तो अगेन नेगेटिव। व्हाट इज द फिफ्थ केस, आई एम एट एफ, फोकस एट फोकस, अगेन नेगेटिव। अच्छा ये बात भी याद रखना कि कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसका फोकस भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफिनिटी। तो अगेन डायरेक्शन में जाओगे, तो दिस इज नेगेटिव। लास्ट वाले केस में आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, ये पॉजिटिव होगा, बिटवीन पी एंड एफ। तो यहाँ रखा आपने, तो यू मैम नेगेटिव नहीं होगा, नहीं नहीं अरे इमेज पी एंड एफ तो नेगेटिव ही होगा, मुझे पर इमेज बनती, इमेज कहाँ बन रहा है, P और F के बीच बन रहा है ना मैम, बिहाइंड बिहाइंड मिरर, तो मैम पॉजिटिव होगा, यहाँ कहीं बन रहा है इमेज, मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ, लेट मी शो यू द डायग्राम, मैम पॉजिटिव हो, देखो इमेज कहाँ बना है इसका, बिहाइंड मिरर। तो अब आप ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, करेक्ट, ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव होगा। तो खाली एक जगह पे v की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो u v f एवरीथिंग इज नेगेटिव। समझ में आई ये बात, हाँ मैम। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो मुझे बिना गलती के कॉन्वेक्स मिरर बनाना है अच्छा वाला। अब यहाँ पे सी कहाँ आया, यहाँ एफ कहाँ आया, यहाँ, तो फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हो गई है आपकी पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ पहले आपने, यहाँ दो ही केसेस हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ मिला, आपको बोला था एट फोकस बिहाइंड द मिरर, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ यू कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अरे भाई कैसे पॉजिटिव, यहाँ मूव कर रहे हो आप, पॉजिटिव है ये मैम, ये मैम जहाँ पे इमेज फॉर्म हो वो तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यू, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो नेगेटिव, और वी क्या होगा, पॉजिटिव। सबको क्लियर ये बात, हाँ मैम, यस मैम। तो U यहाँ पे हो गया नेगेटिव बट V हो जाएगा पॉजिटिव, इसको याद रखना जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल है ना, बहुत बढ़िया वाले हैं, मजा आएगा आपको। अच्छा जो सेकेंड हमारा केस था उसमें हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बोलो भाई स्क्रीन देख के तो बोलो, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो यू कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, यू नेगेटिव है, व्हाट अबाउट वी, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो सेकेंड केस में ये तो नेगेटिव है और ये
पॉजिटिव है और ये हमने रखा था बिटवीन पी एन एफ अच्छा अब ये सारे केसेस में अब हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट भी देखेंगे. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऐसे ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव. और इमेज हमारा बन रहा है इन्वर्टेड तो इमेज हमेशा कैसा होगा. नेगेटिव. तो इस साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे. इन दिस केस एच एच क्या है ऑब्जेक्ट हाइट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और एच डैश का मतलब होता है इमेज हाइट वो कैसी होगी. अच्छा मुझे बताओ ये हमेशा नेगेटिव होगी क्या या कोई स्पेशल केस है. हमेशा नेगेटिव होगी. चलो देख लेते हैं. यहाँ पे केसेस देख लेते हैं सारे कि हमेशा नेगेटिव है या कभी पॉजिटिव भी है. देखो यहाँ पे तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड तो जब तक इन्वर्टेड है तब तक आपका इमेज कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा. अब और नीचे जाते हैं यहाँ पे भी कैसा है इन्वर्टेड नो प्रॉब्लम नेगेटिव यहाँ पे भी इन्वर्टेड सो नो प्रॉब्लम नेगेटिव. व्हाट अबाउट दिस यहाँ पे भी नेगेटिव राइट. यहाँ पे कैसा है मुझे बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव. अगेन आपको यही देखना है इन्वर्टेड क्या नेगेटिव. नेगेटिव क्योंकि मैं आपको एच डैश पूछ रही हूँ जब तक वो इन्वर्टेड है तब तक नेगेटिव ही रहेगा पर ये वाले केस में कैसा है अपवर्ड है तो आपका एच डैश कैसा हो जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव केस है इसका आप ध्यान रखना क्योंकि ये है ना पूछते हैं एमसीक्यूज में तो यहाँ पे एच डैश कैसा हो जाएगा पॉजिटिव बी भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव. अच्छा कॉन्वेक्स में देखते हैं देखो एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा एच इज ऑलवेज पॉजिटिव. व्हाट कैन यू से अबाउट एच डैश लेट अस सी द डायग्राम एंड डिसाइड. यहाँ पे क्या लिखा है वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर इरेक्ट है तो वो कैसा होगा. मतलब पॉजिटिव. करेक्ट अगर वो इरेक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे भी देखो कैसा है इरेक्ट तो वो कैसा होगा पॉजिटिव. तो आप इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा ठीक है. अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस बताती हूँ आपको क्योंकि अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बाद में आपको दिक्कत आएगी तो आप एक सेंटेंस याद रखना वैक्स इज पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और उसका वी भी पॉजिटिव है. वैक्स का मतलब है कॉन्वेक्स तो अगर वैक्स पॉजिटिव है तो केव क्या होगा नेगेटिव तो उसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा और उसका यू वी एफ सब कुछ नेगेटिव होगा अलोंग विथ एच डैश एक्सेप्ट फॉर वन केस. ये बात आपको समझ में आई बच्चों. इसका स्क्रीन yes, तो इसको नोटबुक में लिखना है लिखना है नोटबुक.
स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में लिखना है। नाउ ऑलरेडी तो होमवर्क है। लोग रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी इसलिए आई विल कीप माय माउथ शट। लेट मी नो वंस यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ले लिया मैम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉरी कार्टेशियन साइंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है? ये जो डायग्राम वही दिखा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। यू कैन एक्चुअली रीड इट वंस फॉर योर सेल्फ। डाउट है किसी को कुछ? चलो ये कौन पढ़ेगा? आयुषी कैन यू रीड दिस? यस मैम। When the object is between infinity and pole, the image is formed between behind the mirror. It is diminished, virtual, and direct. Sorry, I think अभी कौन सी slide दिख रही है? हाँ अभी the ninth one, new Cartesian sign. I want you to read the first point. Okay. The object is always placed on the left of the mirror, and light from the object falls from the left to the right. Second one. All distances parallel to the principal axis are measured from the pole. Very nice words. Siddharth, third one. All distances measured to the right of the pole are taken as positive. Sahi. Teeth, next. All distances measured to the left of the pole are taken as negative. Ayushi, next. The height measured upwards perpendicular to the principal axis is taken as positive. Sabki awaaz sahi hai, bilkul buland. Okay, Shlok, next. The height measured downwards perpendicular to the principal axis is taken as negative. I hope the text as well as the diagram is clear and I can move on to the next. Yes, ma'am. Yes. अब यहाँ पे ना जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए एक फॉर्म्यूला है, बहुत सिंपल सिंपल से दो फॉर्म्यूला है जो आपको याद रखने हैं। याद रखना अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, आगे जाके हम लेंसेज की भी बात करेंगे। तो मिरर फॉर्म्यूला बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्वीट सा, चुटकू सा है। 1/b + 1/u = 1/f। क्या है फॉर्म्यूला पढ़ो तो? Ma'am, 1/v + 1/u = 1/f. सब लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज वी? हाइट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। मैम वो तो u नहीं होगा। करेक्ट, v इज इमेज डिस्टेंस। बताइए v क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट फोकस फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत शॉर्ट स्वीट सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे इसको। हमें फोकल लेंथ है, फोकस का है, एफ होता है फोकस और स्मॉल एफ होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इतना था और मुझे इमेज इतना मिला, मतलब मेरा इमेज कैसा है? मैग्निफाइड, बड़ा है। तो ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला पढ़ो तो जरा, आपके सामने है। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m = hi / h₂। ओके, तो m = h' / h₀, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट डिनोमिनेटर में और इमेज की हाइट न्यूमरेटर में। एक और छुटकू सा फॉर्मूला है और वो है ये। तो एक फॉर्मूला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। m इज इक्वल टू -v/u। आप दोनों तरीके से मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं, या तो हाइट का रेशियो ले लो या तो
डिस्टेंस का रेशियो ले लो। अगर आप हाइट ले रहे हो तो पहले इमेज की हाइट, उसके नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो पहले इमेज का डिस्टेंस और फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फॉर्मूला लर्न हो गए सारे? मैम लगाना कब है फॉर्मूला? जब इमेज की रेडो। अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब। चलो पहले मुझे फॉर्मूले बता दो, कौन से हैं, फटाफट बोलो। 1/v + 1/u = 1/focal length (f). और h' / h which is also equals to -v/u। ये सबको अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो कि कॉन्वेक्स की कैसी होगी? पॉजिटिव। और कॉनकेव की? नेगेटिव। ये अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव की गड़बड़ कर दी तो पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, देन टेल मी व्हाट इज h' हाइट। किसकी हाइट? ऑफ द इमेज, राइट? और hz ऑब्जेक्ट हाइट। और m क्या है? मैग्निफिकेशन। ये सारी चीजों को हम याद रखेंगे। इसके अलावा रे डायग्राम्स एकदम पक्के आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्पेसिफाइड दी है कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, तो इमेज की पोजीशन क्या आएगी, इमेज का नेचर कैसा होगा। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपको कितना बड़ा इमेज मिला। जैसे कि मैं समझाती हूँ वापस से, समझो ये मेरा मिरर था, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था समझो वो इतना था, 2 cm। अब मुझे जो इमेज मिला वो मुझे मिल गया 4 cm का, तो मैग्निफिकेशन टू टाइम्स मैग्निफिकेशन हुआ। समझ में आया आपको? अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 2 cm का था तो इमेज भी 2 cm की बनी। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब आपको मैग्निफाइड इमेज मिली, और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है मतलब आपको शॉर्टर इमेज मिली, स्मॉलर इमेज मिली। समझ आ रही है ये बात? हाँ यस मैम। आज के लिए इतना ही।